नमस्कार मित्रों, हंस वाहिनी एजुकेशन ग्रुप की तरफ से संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इतिहास की क्लास में कल की अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में अध्ययन किया और कालीबंगा सभ्यता से संबंधित दो तीन बातें बची भी है। एक तो यहाँ अपने को ये याद रखना है, मतलब मिट्टी के बर्तन अपन यहाँ मिलते हैं, मिट्टी के पात्र या बर्तन। मिट्टी के बर्तनों की जो बात करेंगे तो ये इनके जो रंग से संबंधित एक प्रश्न आता है और वो प्रश्न ये हो जाएगा, यहाँ मिट्टी के जो बर्तन थे लाल प्लस काले, यानी कि लाल रंग की प्रधानता थी और काले रंग भी हाशियों पर आता था, तो लाल व काले यानी कालीबंगा सभ्यता के मतलब बर्तनों की यानी मिट्टी के बर्तन, इसे मृदभांड भी कहते थे। मृदभांड एक ये विशेषता रही और एक कालीबंगा सभ्यता की एक बेहतरीन और विशेषता थी, वो थी स्वास्तिक का प्रमाण भी यहाँ पर मिला है। स्वास्तिक जिसे हम राजस्थानी भाषा में सातिया सांख्या स्थानीय बोली में कहते हैं, उसका यहाँ अवशेष मिला। इससे ये अंदाजा लगाया जाता था, इस स्वास्तिक का प्रयोग ये लोग करते थे वास्तु दोष को दूर करने के लिए, दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते थे। किसका? स्वास्तिक का वास्तु दोष को दूर करने के लिए। एक और महत्वपूर्ण विशेषता, ये तो हो गई दो, मिट्टी के बर्तन लाल व काले, मृदभांड, स्वास्तिक का प्रमाण यहाँ पर मिला है, वास्तु दोष को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और कालीबंगा सभ्यता की एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। कालीबंगा जो स्थान है वहां पर क्या है कि राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना यहाँ पर की गई है। राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना यहाँ पर की गई है, यानी यहाँ पर जो प्राचीन जो वस्तुएं मिली है, पूरा अवशेष मिले, उनको संग्रहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1985-86 में ये इसकी स्थापना की गई थी। 1985-86 ईस्वी में कालीबंगा राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना। और कालीबंगा में एक चीज आपको और याद रखनी है, एक तो अपनी सभ्यता चल रही है कालीबंगा, और कालीबंगा में यहाँ पर बर्तन मिले हैं और बर्तनों के जो आकार है वो है बेलनाकार। ये जो समानता बेलनाकार जो बर्तन है ये मेसोपोटामिया में भी मिले हैं, मेसोपोटामिया से भी ये बर्तन बेलनाकार मिले हैं। इस वजह से ये इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे कालीबंगा के, उनका जो संबंध था वो मेसोपोटामिया से भी था, तो इसके आधार पर बेलनाकार बर्तनों के आधार पर इन दोनों का आपस में क्या था, संबंध था, व्यापारिक राजनीतिक संबंध, इससे ही ये पता चलता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, मेसोपोटामिया प्राचीन सभ्यता और कहते हैं कालीबंगा के समकालीन ही थी। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के किनारे इराक में, तो ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। तो कालीबंगा के बारे में दो तीन बातें आज जो बची हुई थी हमने की, मिट्टी के बर्तन, मृदभांड, लाल व काले बर्तन, स्वास्तिक का प्रमाण यहाँ मिला, वास्तु दोष दूर करने के लिए इसका ये प्रयोग करते थे, कालीबंगा राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985-86 और कालीबंगा के अंदर बेलनाकार बर्तन मिले, और इसका ये मतलब सामंजस्य मिलाया जाता है कि ये मेसोपोटामिया से लोग व्यापार करते थे। ये थी कालीबंगा सभ्यता जो कि महत्वपूर्ण थी, कल हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा भी की और आज की क्लास में हमने इसकी पूर्व कक्षा भी की। अब अपन चर्चा करते हैं अपनी एक और महत्वपूर्ण सभ्यता को, सभ्यता जो स्थल है उसका नाम। तो आज की अपनी जो सभ्यता स्थल है वो है आहाड़ सभ्यता
आहार सभ्यता की जब बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये जानकारी हमें लेनी होगी कि आहार सभ्यता है कहाँ, उदयपुर। आहार सभ्यता उदयपुर। और अगली बात, ये जिस नदी के किनारे है उस नदी का नाम है आयड़। आयड़, या मैं इसे कह सकता हूँ बेडच। आयड़ या बेडच, दोनों एक ही नदी के दो नाम है, आयड़ और बेडच। और ये दोनों नदी एक नदी की सहायक नदी है। सहायक, ये किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदी है बनास नदी की, बनास नदी की। तो सीधी सीधी बात, यहाँ प्रश्न ऐसा आ सकता है कि आहार सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में। आहार में यह स्थान का नाम भी है। और आहार सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो वो किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो आयड़। और आयड़ नदी का ही दूसरा नाम है बेडच, क्योंकि आयड़ जब उदय सागर झील में गिरती है तो नाम आयड़ है, और ऐसे आती है और इस झील में गिरती है, इधर से आती है, तो आयड़ नाम है इसका, आयड़। और जब ये आगे चली जाती है यानी कि गिरने के बाद जब निकलती है तो ये बेडच के नाम से जानी जाती है, बेडच। ठीक है, तो आयड़ व बेडच। और ये आयड़ और बेडच दोनों किसकी सहायक नदी है? बनास नदी की सहायक नदी है। तो प्रश्न सीधा भी आ सकता है कि आहार सभ्यता किस नदी के किनारे है? पहला ऑप्शन ये आयड़ भी मिल सकता है, तो वो भी हो जाएगा सही। बेडस भी, आयड़ और बेडस एक ही नदी के दो नाम है, और ये दोनों साइड किसके? बनास नदी की। तो इसके किनारे भी ये होगी, तो बनास नदी के किनारे भी ये सभ्यता पाई गई है। अब अपन इस सभ्यता के काल की बात करें, यानी कि इसका जो कालक्रम समय क्या था। तो ये सभ्यता आज से लगभग 4,000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। आज से लगभग 4,000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, यानी प्राचीन सभ्यता, प्राचीन सभ्यता। और इसके बारे में इसका जो काल बताया जाता है वो है 1900 ईस्वी पूर्व। की किताबों में 1900 से 1800 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक इसका जो काल है, यानी ये किस सभ्यता का काल बताया? आहाड़ सभ्यता का, जो कि उदयपुर में आयड़ बेडस नदी के किनारे हमने बात की, जो कि बनास नदी की सहायक है। काल हमने आज से लगभग 4,000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता है। उसके बाद इससे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या बनते हैं? इसके प्राचीन जो नाम है, प्राचीन नाम से संबंधित जो फैक्ट आते हैं, प्राचीन नाम। और प्राचीन नाम में जब भी अपन चर्चा करेंगे तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो नाम है आप लोगों को बता रहा हूं, वो इस सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। इस सभ्यता का एक प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी। और इसी सभ्यता का एक नाम और मिलता है, वो है आघाटपुर। आघाटपुर, इसी सभ्यता का एक नाम मैं यही और लिखा देता हूं, आघाटपुर और आघाट दुर्ग। आघाटपुर या आघाट दुर्ग, ये भी इसी का ही नाम है। और अपन बात करें इसके एक और नाम की, तो धूलकोट। धूलकोट भी इसी का नाम है, धूलकोट, क्योंकि इस सभ्यता का एक प्रमुख स्थल भी है धूलकोट, इसी सभ्यता का ही तो है। और वहां पर है ना धूलकोट नामक कस्बा है, वहां पर खुदाई की गई और है ना आरसी अग्रवाल के द्वारा, और जहां पर रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा खुदाई की गई धूलकोट नामक कस्बे पर, तो इसका प्राचीन नाम धूलकोट भी है। तो मैंने यहाँ पर इसके कुल 4 प्राचीन नामों का उल्लेख किया। प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी, आघाटपुर या आघाट दुर्ग, या इसे कहते हैं धूलकोट। ये थे अपनी आहाड़ सभ्यता के प्राचीन नाम। एक और नाम का उल्लेख मिलता है, इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी ने कहकर याद रखना, ताम्र सभ्यताओं की जननी ग्रहेश्वर सभ्यता को कहते हैं और ताम्रवती नगरी कहते हैं किसको? आहाड़ सभ्यता को। दूसरी बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था वो महत्वपूर्ण है, ये जो सभ्यता है अभी हमने बात की आयड़ नदी के किनारे है, वह आयड़ नदी किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी। तो यहां से एक अच्छा सा कंसेप्ट बनता है कि इस सभ्यता को HD सांकलिया है, हंसमुख धीरज लाल सांकलिया, मैं उनका नाम ही उल्लेख कर देता हूँ, HD सांकलिया। और HD सांकलिया ने इस सभ्यता को क्या कहा? इस सभ्यता को कहा बनास
एक तो इसे कहा बनास, वह मैं इसे लिख सकता हूं एक और नदी है अपनी, वह है आयड़ नदी। बनास व आयड़ संस्कृति कहा, बनास व आयड़ संस्कृति, यानी कि पहाड़ सभ्यता का एक और नाम मिला हमें बनास संस्कृति, और इसी सभ्यता का एक नाम मिला कौन सा, आयड़ संस्कृति। ठीक है, तो बनास व आयड़ संस्कृति और अहड़ नामक स्थान पर है, तो उसे अहड़ सभ्यता तो हम वैसे ही कहते हैं। तो HD सांगलिया हंसमुख दिलदार सांगलिया के द्वारा। तो एक बार देखो बहुत आसान है, अहड़ सभ्यता का सामान्य परिचय हम शुरू कर किया हमने, काल के बारे में इसकी चर्चा की, उदयपुर नामक स्थान की हमने चर्चा की, नदियों के बारे में कंसेप्ट क्लियर किया, और उसके बाद हमने प्राचीन नामों का उल्लेख किया, ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, आघाट दुर्ग, धूलकोट, HD सांकलिया, ऐसे कहते हैं बनास संस्कृति या आयड़ संस्कृति, दोनों ही नदियों के किनारे होने की वजह से। और अब मैं इसकी और महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों को बता देना चाहता हूं। देखो, जब आयड़ संस्कृति अहर संस्कृति की अपन बात करेंगे तो यहां पर भी हमें कुछ विद्वानों से काम पड़ेगा। जैसे कालीबंगा सभ्यता हमने पढ़ी, उसमें हमने चार व्यक्तियों के बारे में चर्चा की थी, सबसे पहले LP टेस्ली तोरी, उसके बाद हमने बात की, उसके बाद हमने बात कर दी अपने अमलानंद घोष के बारे में, उसके बाद बेबी लाल और VK थापर के बारे में, लेकिन यहाँ पर भी चार लोगों को हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको सर्वप्रथम बताऊं तो इसका उत्खनन किया एक व्यक्ति ने, और ये जो समय था 1953 का, ये जो समय था 1953 ईस्वी में, यहाँ पर सर्वप्रथम जो व्यक्ति इसका उत्खनन करता है कौन सी सभ्यता का, अहड़ सभ्यता का, तो इस व्यक्ति का नाम है अक्षय कीर्ति व्यास, AK व्यास, और इसका पूरा नाम हो गया अक्षय कीर्ति व्यास, यानी कि सर्वप्रथम अहर सभ्यता का उत्खनन करने वाले विद्वान का नाम है AK व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास, इन्होंने यहाँ पर खुदाई की। और उसके बाद दो नंबर जिस व्यक्ति की बारी आती है वो यहाँ है RC अग्रवाल, और ये जो काल रहता है एक वर्ष बाद 1954 ईस्वी में, और 1954 ईस्वी में यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाते हैं आर सी अग्रवाल, और यहाँ RC अग्रवाल की कुल फॉर्म रतन चंद्र अग्रवाल, यानी दो नंबर विद्वान हमें ये पढ़ना होगा। और तीसरे की जब अपन बात करते हैं इससे संबंधित, एक साथ दो व्यक्तियों की चर्चा कर लेते हैं। एक अब ये जो काल है 1961-62 में यहाँ पर अगला उत्खनन कार्य करवाया जाता है, और वो यहाँ पर दो व्यक्ति है, एक तो है HD सांकलिया, और एक व्यक्ति है वो है VN मिश्रा। तो 1961-62 में HD सांकलिया व VN मिश्रा द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया जाता है। HD सांकलिया की फुल फॉर्म हंसमुख धीरज लाल सांकलिया, ये इसकी हो गई फुल फॉर्म, पूरा नाम इसका हो गया। तो ये भी हमें ध्यान रख लेना है कि उत्खनन कार्य पहाड़ सभ्यता का तीन विद्वानों के नाम, यहाँ चार विद्वानों के नाम हमें याद करने होंगे, सर्वप्रथम AK व्यास द्वारा 1953, उसके बाद RC अग्रवाल के द्वारा 1954, और उसके बाद HD सांकलिया हुआ VN मिश्रा द्वारा 1961-62 में यहाँ पर करवाया गया उत्खनन कार्य। अब उस उत्खनन कार्य के बाद इस सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो भी हमें यहाँ चर्चा कर लेनी चाहिए, विशेषताएं की जब अपन इसकी बात करें, दो महत्वपूर्ण विशेषताएं। एक तो ये जो सभ्यता है ये अपनी ताम्रकालीन सभ्यता, और एक ये जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है। जैसे हमने कालीबंगा सभ्यता में पढ़ा
कि काली बंगा जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, और ये जो सभ्यता है वो कौन सी है, ग्रामीण सभ्यता है, और कालीबंगा सभ्यता थी वो कांस्य युगीन थी, और अपनी अहर जो सभ्यता है वो ताम्रकालीन या ताम्र युगीन, ताम्रकालीन या ताम्र युगीन बात एक ही है, ताम्र युगीन सभ्यता। ठीक है, तो ये इनकी दो महत्वपूर्ण विशेषता। अब अपन इस सभ्यता के कुछ उद्खनन के बारे में भी चर्चा करते हैं। अपने को सिर्फ यहां पर चार विद्वानों के नाम याद करने होंगे, वो हमें याद हो चुके हैं। सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास, उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल, HD सांकलिया और VN मिश्र। उसके बाद अपने को यहाँ उत्खनन, इस सभ्यता का उत्खनन होता है आहाड़ सभ्यता, सभ्यता का उत्खनन, उत्खनन। और ये जो उत्खनन है, यहाँ कहते हैं उत्खनन में ये पता चलता है कि इस सभ्यता के यहाँ पर तीन सत्र पाए गए हैं, है ना, तीन सत्र, या इसे मैं चरण भी कह सकता हूं। तो ये तीन चरण में ये सभ्यता मिलती है, अलग अलग अवशेषों के आधार पर। अगर पहले चरण की अपन बात करें, यानी कि एक नंबर की, तो इसमें हमें जो महत्वपूर्ण चीजें क्या मिली, तो उसमें थोड़ा देखने वाली बात है कि एक अवशेष के आधार पर है। तो सबसे पहले हमें यहां पर विभिन्न प्रकार के अवशेषों के आधार पर हमें इसे तीन टाइप में, तीन भागों में बांटते हैं। यहाँ स्फटिक, स्फटिक के क्या मिले हैं, स्फटिक के औजार व उपकरण, औजार व उपकरण। और अगर अपन बात करें दो नंबर की, तो दो नंबर में एक नंबर में स्फटिक पत्थर है, पत्थर यानी ये कीमती पत्थर, पत्थरों के औजार व उपकरण। और दो नंबर यहां पर हमें मिले हैं ताम्र व कांस्य और लोहे के उपकरण, लोहे के उपकरण। ये अपनी एक और महत्वपूर्ण इसी सभ्यता की जो पार्ट में तीन चरण बताए के अवशेष मिले, और तीसरे में मृदभांड संबंधी अवशेष मिले हैं, मृदभांड। और मृदभांड से तात्पर्य हो गया मिट्टी के बर्तन, मृदभांड से संबंधित, संबंधित साक्ष्य, मृदभांड से संबंधित साक्ष्य हमें यानी इसके तीसरे स्तर पर मिले हैं। आहार सभ्यता का उत्खनन हमने अभी उसमें तीन स्तर पर हमने बात की, और तीन चरण में स्फटिक के औजार, उपकरण, पत्थर, ताम्र व कांस्य, यानी दो नंबर में हम पढ़ रहे हैं ताम्र कांस्य व और लोहे के उपकरण यहाँ पर मिले हैं, मृदभांड से संबंधित साक्ष्य भी इसमें मिले हैं। तीन महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर स्फटिक यानी पत्थर से, और यहाँ पर ताम्र कांस्य और लोहे से बने हुए उपकरण, और यहाँ पर मृदभांड यानी मिट्टी से संबंधित जो साक्ष्य मिले वो इस सभ्यता में थे। तो आहाड़ सभ्यता के उत्खनन के तीन चरण भी आपको याद रखने हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको ऊपर लिखा देता हूं, ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता का, ये जो अपनी आहाड़ सभ्यता है, सभ्यता के आठ बार बसने व उजड़ने के प्रमाण मिले हैं, बसने व उजड़ने के प्रमाण मिले, बसने व उजड़ने के प्रमाण यानी अवशेष यहाँ पर मिले हैं। तो ये वाली बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे संबंधित कुछ और फैक्ट की बात करें, तो यहाँ पर मिले हुए अवशेषों के आधार पर एक तो हमें यहाँ का जो प्रमुख वस्तु मिली है वो है तांबा गलाने की भट्टी, तांबा गलाने की भट्टी का अवशेष अगर कहीं पाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो यहाँ किस जगह पाया गया, आहाड़, है ना, क्योंकि यहाँ पर तांबा उद्योग, इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तांबा गलाने की यहाँ भट्टी मिली है, तो यहाँ पर ताम्र उद्योग, है ना, चर्चा में था, तो कहते हैं कि ये ताम्र जो उद्योग है वो यहाँ पर हुआ हुआ करता था, तो ये भी हमें पता करना है। और उसके बाद आटा चक्की का भी अवशेष यहाँ पर मिला है, आटा चक्की का अवशेष हमें यहाँ पर मिला है, आटा चक्की का अवशेष।
और एक जो मैं आप लोगों को अच्छी सी बात बताता हूं, यहाँ के जब अपन मकानों की बात करेंगे, मकान तो मकान यहाँ के जो निर्मित है वो मकान है कच्ची कच्ची ईंटों, मकान निर्मित है कच्ची ईंटों प्लस पत्थरों से यहाँ के मकान निर्मित है। और उन मकानों के ऊपर बल्लियों का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया, कालीबंगा की तरह कच्ची ईंटों व पत्थरों से, और कई जगह ईंटों की जगह मिट्टी भी लिख रखा है, तो बात एक ही है, मिट्टी से ईंटों का निर्माण हो जाता है। तो कच्ची ईंटों व मिट्टी का प्रयोग व पत्थरों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। और ये जो मकान है इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है कि ये जो मकानों की एक मतलब अनूठी विशेषता है वो है कि ये मकान आयताकार हुआ करते थे ना, आयताकार मकान की यहाँ एक अनूठी विशेषता है, आयताकार मकान यहाँ पर मिले हुए हैं। इस सभ्यता की अपन बात करें, मकानों से संबंधित जब बात आ ही गई है, तो इसमें मकान के अंदर हमें एक, मैं लिख रहा हूं, एक घर में 6 चूल्हों के अवशेष यहाँ मिले हैं, एक घर में 6 चूल्हों के अवशेष यानी चूल्हे ही मिले हैं, एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं, तो ये भी हमें याद रखना है, एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं। और ये जब एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं तो एक बात की ओर इशारा कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, और वो इशारा क्या है कि जब एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं तो हमें ये अंदाजा लगाया जा सकता है, पता चलता है इतिहासकारों को भी, कि यहाँ पर कोई सामूहिक भोजन की व्यवस्था रही होगी या संयुक्त परिवार रहा होगा। तो इस एक बात से दो मतलब बातें निकल कर आती है सामने, एक तो यहाँ पर सामूहिक भोजन की व्यवस्था रही होगी, एक तो सामूहिक भोजन की व्यवस्था, और दूसरी यह जब एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आहाड़ सभ्यता है वहां पर लोग संयुक्त परिवार में भी रहते थे, संयुक्त परिवार में भी रहते थे, यह प्रमुख बात है। और एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं, एक चूल्हे पर यह भी एक और इम्पोर्टेंट बात, एक चूल्हे पर मानव हथेली की छाप है, एक चूल्हे पर मानव हथेली की छाप मिलती है, एक चूल्हे पर मानव हथेली की जो छाप है किस सभ्यता में मिलती है, आहाड़ सभ्यता में। और आहाड़ सभ्यता से संबंधित फैक्ट एक और महत्वपूर्ण है, स्त्री के पांव की मरण मूर्तियां, स्त्री के यानी महिला के पांव की मरण मूर्तियां यहाँ पर मिलती है, पांव की मरण मूर्तियां। और मरण मूर्तियों से संबंधित फैक्ट तो आप जानती हो, मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां, तो मरण मूर्तियों मूर्तियों का अवशेष यहाँ पर हमें मिला है। ये बात हुई अपनी किस सभ्यता की, आहार सभ्यता की। एक बार पुनः बोर्ड पर लिखी सारी चीजें महत्वपूर्ण है, कहीं न कहीं निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक यानी कि पीटीटी से लेकर आरएस लेवल तक ये प्रश्न यहाँ से परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, यहीं से दोहराए जाते हैं। आहार सभ्यता 8 बार यहाँ बसने हुए मानव बस्ती बसने उजड़ने का प्रमाण है, तांबा गलाने की भट्टी का यहाँ पर अवशेष मिला है, ताम्र उद्योग यहाँ पर रहा होगा इन लोगों का, आटा चक्की का यहाँ अवशेष की हमने बात की, मकान कच्चे ईंटों और पत्थरों के बने होते थे, आयताकार मकान इनकी एक अपनी अनूठी विशेषता थी, एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग सामूहिक भोजन क्या करते थे, तो सामूहिक भोजन की इनके यहाँ पर व्यवस्था थी। और दूसरी बात ये भी अपने को ध्यान रख लेनी है कि यहाँ जो इन संयुक्त परिवार भी होने का एक सूचक है, संकेत करती है, घर में 6 चूल्हे, एक चूल्हे पर मानव हथेली की क्या मिली है, छाप मिली है, और अगली बात स्त्री के पांव की हमें मरण मूर्तियों के यहाँ पर अवशेष मिले हैं। यह आहार सभ्यता की मतलब महत्वपूर्ण विशेषताएं चल रही है।
अब अपन कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा भी यही करते हैं। अहर सभ्यता जो कि ताम्रवती नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। एक हमें यहाँ पर मृत भांड से संबंधित यानी कि मिट्टी के बर्तन से संबंधित फैक्ट आता है मृत भांड। तो वहां पर हमने मृत भांड पढ़ा लाल व काला, और यहाँ पर मृत भांड है काले व प्लस लाल, यानी यहाँ काले की प्रधानता वह लाल उसके हाशिए पर। ये थे मृत भांड के यहाँ पर अवशेष मिले हैं। कुछ हम इस सभ्यता की और भी बात करें कि ये लोग धार्मिक हुआ करते थे, और ये अंदाजा हमें किससे पता चला कि यहाँ पर कई अवशेष मिले। जैसे ये धार्मिक होने का आधार क्या था, यहाँ पर हमें धूप मिली है ना, धूप के कहते हैं अवशेष मिले, धूप दिए व तस्तरियां, धूप दिए व तस्तरियों का यहाँ पर अवशेष मिले हैं, धूप दिए व तस्तरियों का अवशेष यहां से मिला है, धूप दिए व तस्तरियों का अवशेष। यानी कि इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन लोगों की जो रुचि थी धार्मिक भी हुआ करती थी। और भी इस सभ्यता की महत्वपूर्ण बात, जैसे हमने मृद भांड पढ़ा, तो मृद भांड में हमने यानी मिट्टी के बर्तनों की हमने बात की, और मिट्टी के बर्तनों की जब अपन रंग की बात करेंगे तो काले व लाल रंगों की यहाँ की प्रमुख विशेषता रही थी। जब अपन इस सभ्यता के व्यवसाय की बात करेंगे तो व्यवसाय की जब अपन बात करेंगे तो इसमें हमें एक चीज ध्यान रख लेनी है, ये लोग कृषि से, आरसी मजूमदार ये बात कहते हैं कि ये लोग कृषि से परिचित थे, ये लोग कृषि से परिचित थे। इन लोगों का यानी कि मुख्य व्यवसाय एक तरीके से कृषि हो गया, और ये कुछ कृषि के साथ साथ विभिन्न प्रकार की रंगाई और छपाई का कार्य भी करते थे। रंगाई व छपाई का कार्य भी ये लोग करते थे, रंगाई व छपाई का कार्य, ठीक है। तो इनके व्यवसाय से संबंधित कृषि से परिचित है, रंगाई व छपाई का कार्य ये लोग किया करते थे। अब एक तथ्य और आता है, वो क्या है, इन लोगों का जो संपर्क है वह यूनानियों से भी आ था। तो यहां में मैं ये लिख रहा हूं यूनानियों की छह मुद्राएं व तीन मुहरे मिली है। यूनानियों की छह मुद्राएं व तीन मुहरे यहाँ पर मिली है। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है, मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, देखो ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि यूनानियों की छह मुद्राएं व तीन मुहरे यहाँ पर मिली है। इन मुद्राओं से ये सीधा सीधा अंदाजा तो लगा ही जा सकता है कि अहर सभ्यता के लोगों का सीधा संबंध यानी व्यापारिक जो संबंध था वो कहां से था, यानी कि यूनान से था। और यही जो यूनानी छह मुद्राएं मिली है इनमें एक मुद्रा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर कीजिए, अब ध्यान दीजिए, एक मुद्रा मिली है, और इस मुद्रा पर क्या है, एक तरफ अपोलो देवता है, ये यूनानी देवता, एक तरफ अपोलो यूनानी देवता, एक तरफ ये देवता है जिनका नाम है अपोलो, और दूसरी तरफ यानी इसी मुहर के मुद्रा के दूसरी तरफ की अपन बात करेंगे तो दूसरी तरफ त्रिशूल अंकित है। और ये जो देवता है यूनानी देवता है, और इनके हाथ में जो शस्त्र है, एक तो है तरकस व तीर, इनके हाथ में जो शस्त्र है अपोलो जो देवता है इनके हाथ में तीर व तरकस इनका प्रमुख, इनके पास जो शस्त्र है
तीर और तरकस लिए हुए हैं, ये अपोलो यूनानी देवता है। इससे इन मुहरों से मुद्राओं से ये पता लगाया जा सकता है कि आहाड़ सभ्यता के लोग हैं। इनकी इनका जो व्यवसाय था और जो बिजनेस था वो मतलब काफी लंबा था, यानी कि अपन कह सकते हैं यूनानियों से इनका सीधा का सीधा संपर्क रहा होगा, यह भी इनके लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। एक यहाँ पर बनासियन बुल यानी वृषभ बैल का अवशेष भी यहाँ पर मिला है, बनासियन बुल यानी कि बैल, बनासियन बुल यानी बैल अपन कह सकते हैं। बैल का जो यहाँ पर अवशेष मिला है यह हमें आहाड़ सभ्यता के बारे में जानकारी देता है। और एक यहाँ पर चक्रकूप पदंती मिलती है हमें, पानी सोखने का एक तरीका था इनकी, पानी सोखने की एक नई तकनीकी इन लोगों ने ईजाद कर रखी थी, तो ये भी आप लोग लिख सकते हो चक्रकूप पद्धति। और ये चक्रकूप पद्धति थी, ये क्या थी मैंने आप लोगों को बताया, घड़ा एक गड्ढा होता था और उस गड्ढे पर घड़े पर घड़ा रख करके एक पानी सोखने की इनकी कला थी पद्धति। और इससे ये क्या करते थे, पानी सोखाते थे, तो पानी सोखने की विधा इनकी थी, ये पानी सोखने की विधि। ये इस सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमने पढ़े हैं, एक एक महीन बात पर हमने विचार किया है। और गौर करने वाली बात है कि इनके जो मुख्य फैक्ट है यहीं से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और अब हम आज की इस कक्षा को यहीं संपन्न करते हैं। जय हिंद, जय भारत।